actually this concept was explained by valency bond theory very well valency bond theory says that formation of single double or triple bond depends on number of electrons shared by bond forming atoms any yani, jo atoms बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इफ़ बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन देन सिंगल बॉन्ड फॉर्म्स इफ बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स शेयर टू टू इलेक्ट्रॉन्स देन डबल बॉन्ड फॉर्म्स इफ बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स शेयर थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन्स देन ए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड तक ही केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी किए गए हैं तो देखिए एग्जाम्पल H2 टू मॉलिक्यूल केस ऑफ एच टू मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वन एस वन इन दिस केस इट इज अनस्टेबल सो इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन मोर टू गेट स्टेबिलिटी आप जानते हैं फर्स्ट शैल में टू इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो इस्टेबल हो जाएगा अगर वन है तो अनस्टेबल यानी अस्थाई है इन दिस कंडीशन वैन टू हाइड्रोजन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर हैंग इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है ऐसे दो हाइड्रोजन जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं दे ओवरलैप फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मिंग ए सिंगल बॉन्ड यहाँ आप देख रहे हैं आ, ब्लू कलर के सर आ, रेक्टेंगल के अंदर देखिए दो इलेक्ट्रॉन से हैं यहाँ पर एक एक दोनों हाइड्रोजन एटम ने दिया है दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस कंडीशन में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया चलिए अब देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू टू पी वाई वन टू पी जेड वन अब p में p सब शेल में थ्री ऑर्बिटल्स हैं फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से शेयर हो गए x में और सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हो गए x ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स y में वन z में वन इन दिस कंडीशन टू पी एक्स ऑर्बिटल विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन because it is completely filled means only 2py and 2pz orbital will participate in bond formation by overlapping so when pz pz orbital 2pz and 2pz orbital of two oxygen atoms having a positive spin come close to each other they will form a single bond sigma bond when 2py orbital of one atom come close to another 2py orbital of oxygen atom they will overlap sideways and form a pi bond hence there are Two bond forms. One is single bond, one is sigma bond, and second is pi bond. Because of overlapping of 2pz 2pz sigma bond form, because of overlapping of 2py 2py pi bond forms, hence a double bond has been formed here. Let us see why N2 molecule has triple bond. Electronic configuration of nitrogen atom is 1H2, 2H2, 2P3. These 2P3 electrons distributed as 2Px1, 2Py1, 2Pz1. It means all three electrons distributed equally इन टू पी ऑर्बिटल्स अब इस कंडीशन में जब थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन एटम पर है वैन दे कम क्लोज टू एनोदर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैविंग अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल ओवरलैप टू पी जेड ऑर्बिटल ऑफ वन नाइट्रोजन एटम ओवरलैप विद टू पी जेड ऑर्बिटल ऑफ एनोदर ऐटम coaxially then a sigma bond form similarly when two px orbital of one nitrogen atom overlap another 2px orbital of nitrogen atom having a positive spin of electron this overlapping will take place sideways so pi bond will form and 2py orbital of one nitrogen atom come close to 2py orbital of another atom having opposite spins of electron a more pi band form. So, in case of nitrogen molecule two pi bonds and one sigma bond form that is why it has three bond triple bond. This concept was explained by molecular orbital theory also. Molecular orbital theory says number of bond is bond order. यानी yani अगर किसी molecule में bond order one है, इसका मतलब वहाँ पर single bond है। यदि bond order two है, तो वहाँ double bond है। यदि bond order three है, मतलब वहाँ triple bond है। फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज इसको मैथ्स के बेस पर एक्सप्लेन किया गया है बहुत ईजी वे में बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टू सो इनकेस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर इज वन मीन्स सिंगल बॉन्ड इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर इज टू मीन्स ए डबल बॉन्ड इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर इज थ्री मीन्स ए ट्रिपल बॉन्ड उम्मीद है कि आज की क्लास को आपने अच्छी तरह से लर्न किया होगा और इसको समझ पाए होंगे यदि मन में कोई क्वेश्चन है यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें थैंक यू